लो चंद्रमोहन, बिल्कुल ऐसी कार्ड छपा देना। ऐसे का छपा दूं? अरे भाई, शादी के कार्ड में सब कुछ वैसे ही तो होता है। उस लड़की का नाम कटवा के अपनी बेटी का नाम छपवा देना। अबे अब भी आता हूं। राजा बाबू, ये देखो अखबार में आपकी फोटो छपी है। इसमें लिखा है, राजा बाबू नाम का लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। जब से वो गया है ना, मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मतुबाला, ये कैसे हो गया नंदू? आपने जो प्रेम ज्योति जलाई थी ना, ये उसी का फल है। लगता है उसके दिल में आपके लिए प्रेम जाग गया है, तभी तो आपकी फोटो अखबार में छुपवा कर ये सब कुछ लिखवाया है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से उसके गाँव चलते हैं। मुझे भी अपनी वाली से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। भगवान का शुक्र है कि वक्त पे उसकी आंखें खुल गई। सुनिए जी, आप शादी के कार्ड की छपाई को रोक दीजिए। वो लड़की अपने किए पे शर्मिंदा है। देखिए तो, हमारे राजा की फोटो छपा कर हमसे माफी मांगी है। मेरा मतलब है, माफी ऐसे ही थोड़ी हम उसे माफ कर देंगे। मैं उसके घर जाऊंगी, उसे खूब डांटूंगी, उसे यहाँ लेकर आऊंगी, आपसे माफी मंगवाऊंगी, तभी उसे माफ करना, वरना। तू क्या कहना चाहता है? एक बात बता, तू मेरा बेटा है या नहीं? क्या सर पैर वगैरह? तुम चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूं, तू मेरा बेटा है या नहीं? और ये अखबार वाली लड़की, ये वही है ना जिसने शादी का कार्ड फाड़ के तेरे बाप के मुंह पे मार दिया था? फिर भी तू इससे शादी करना चाहता है? इन सब के बावजूद तेरे दिल में उसके लिए प्यार है? अरे मैं तुझसे बुरा बोला, शादी यही करवाने की बात कर रहे थे ना तुम, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी यही बुलवा भेजा। सोचा राजा बाबू से भी मिल लेगी। ठीक है, अंगूठे निकाल। आपकी इससे शादी होने वाली है? कहती हूँ अंगूठा निकाल। हे भगवान, राजा बाबू की इससे शादी होने से पहले मुझे उठा ले। पहचान गई मैं तुम्हें, तुम ही राजा हो ना? कितने बड़े हो गए तुम? तू भी तो कितने बड़े हो गए हैं। बहन जी, आपसे एक बात पूछो। पूछो। आपकी बेटी को अंगूठा चूसने की आदत जवानी में पड़ी या पैदाइशी है? पैदाइशी है, मगर कहते हैं ऐसी आदतें शादी के बाद छूट जाती है। आपकी छूट गई थी? चुप, बदमाश कहेगा। चल बेटी अंदर चल। राजा, तेरे बाबूजी से मेरा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मगर इस पगली से तेरी शादी करा के मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बेटा। अगर फांसी का फंदा तैयार हो ही गया है तो इसे अपने गले में डालने के बजाय मेरे गले में डाल दो। मैं खुशी खुशी झूल लूंगा, लेकिन आपको लटकने नहीं दूंगा। बंधु, बात बढ़ाने से फायदा नहीं है, बाबूजी ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए। अरे अंगूठा छाप होने की इतनी बड़ी सजा थोड़ी होनी चाहिए कि अंगूठा चूसने वाले के साथ ही शादी करवा दी जाए। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होगी। नहीं होने दूंगा। चाचा, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ रुक जा राजा, मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मैं लगा इस तरह का हंगामा करके आए? राजा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? नहीं। तो फिर इस तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? मधु, जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर आज इस लायक किया जिससे तुम प्यार कर सको, आज जो लोगों के एहसान का पलड़ा तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ रहा है। क्या मतलब? फूलों के पालने में पाला है उन लोगों ने इस अनाथ को। बचपन में जब छींक आ जाती थी ना तो माँ बेचैन हो जाती थी, जब बुखार आ जाता था ना तो बाबूजी आसपास के गांव के तमाम वैद और हकीमों को इकट्ठा कर लेते थे। बड़े बड़े नसीब वालों को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार मुझ बदनसीब को मिला है। मालूम है माधु, तुमने तो राजा बाबू से प्यार किया, जमींदार राजा बाबू, मगर ये राजा बाबू एकदम कंगाल निकला। मेरे पास अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, जो प्यार की जोत तुमने मेरे दिल में जगाई है
अब उसे तुम तो क्या, सारी दुनिया नहीं बुझा सकती। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अपनी पढ़ाई के घमंड में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ करो। बाबूजी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इस तरह मुंह फेर कर क्यों जा रहे हैं? देखो, मेरे बेटे का एक लड़की के साथ मैंने रिश्ता किया था, उसके लिए कार्ड भी छपवाए थे। वो कार्ड भरी महफिल में मेरे मुंह मारे गए थे, वो बात मैं भुला चुका हूँ। मेरी पत्नी ने मुझको बताया बिना तो मैं वो तस्वीर दिखाई थी जो मेरे बेटे के वकील के लिबास में थी, उसके लिए भरी महफिल में मुझे फिर जलील किया गया, वो बात मैं भुला चुका हूँ। उस बात के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया है, सब भुला दिया मैंने। बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबूजी। बेटी, ये देखो, मैंने अपने बेटे का एक और जगह रिश्ता तय किया और उसके लिए कार्ड भी छप गए हैं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र आपके बेटे के हाथों ही पड़ेगा। क्या बदतमीजी कर रही है तुम मेरे बाबूजी के साथ? मेरे बाबूजी जो कहेंगे वही होगा। ये जिसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहेंगे मैं डाल दूंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सबके सामने कुछ कहते हो, अकेले में कुछ और कहते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? बेदर्दी कहीं के। अरे किशनवा, अरे मुझे तो ऐसा क्या कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। अरे मुझे तो इस लड़की की बातों का डर नहीं, हमारा शक तो राजा पर है। बाबूजी, आप मुझे शक की निगाह से मत देखिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी शादी काका की बेटी के साथ ही होगी। आप कहे तो मैं अभी उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता हूँ। नहीं, मुझे विश्वास है तुझ पर। कौन है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो जी, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कल किसी तरह मैंने अपने आप को बाबूजी से बचा लिया, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो। बाबूजी आ रहे हैं। अरे बाबूजी आ रहे हैं। देखो राजा, अब अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे देख लेंगे। मैं इस घास में छुप जाती हूँ, जब वो जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, तुम छुप जाओ। अरे अरे सुनो, बाबूजी के जाते ही मुझे आवाज दे देना। हाँ दे दूंगा। राजा जी। बाबूजी, मैंने तुझसे कहा था दूसरों से काम करवाना, तूने खुद शुरू कर दिया। तो क्या करूँ बाबूजी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने चाहिए। मर गए। क्यों? धूप 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 होते बाबूजी, आप बहुत छांव में खड़े रह के बात कीजिए ना। अरे कहाँ है धूप, चल मैं काम कर, लोग जुकाम से मरने का धूप है। अरे नहीं नंदू, ये क्या कर रहा है तू? गैया को चारा डाल रहा हूँ। अरे मैंने चारा डाल दिया, तू जाया से तेरा भूख तो भैंस क्यों कर रही है, थोड़ा सा और डाल। अरे नहीं, मैंने डाल दिया, तू जाया से। अरे बेटा क्या है, क्यों जिद कर रहा, थोड़ी सी घास डालना चाहते तो डालने देना। नहीं नहीं बाबूजी, वो ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। घास खाने से तू तो जाया से। ये क्या हो रहा है बाबूजी, आइए छांव में खड़े रहते हैं। यहाँ क्या बोल रही, आइए ना। अच्छा बाबा चल। ये क्या है, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया? अरे ये तो किसी लड़की की ओढ़नी लगती है। अरे क्या काका, किसी भी फालतू कपड़े को ओढ़नी कहते हो? कोई फेंक गया होगा। कितने भोले हैं, रेशमी कपड़े की भी पहचान नहीं है इनको। अजी सुनिए, आपके बाबूजी गए या नहीं? घास पे बहुत खुजली हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके चूमने से पहले बाबूजी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
अरे भाभी, आप लोग, अरे राजा जी, आपने बताया क्यों नहीं कि ये लोग अभी तक गए नहीं? मैं चलती हूँ। चुम्मा याद रखोगे ना? ओह, मेरी ओढ़नी कहाँ है? ये लीजिए आपकी ओढ़नी भाभी जी। अच्छा राजा, राजा जी, कल फिर मिलूंगी। देखा आपने, एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ रासलीला मनाई जा रही है। बाबूजी, ये लड़की झूठ कह रही थी, इसे आते ही मने जाने के लिए कहा, मगर आपको आता देखकर ये घास के डेरे में घुस गई। मेरा यकीन मानिए बाबूजी, ये लड़की जो कह रही थी झूठ कह रही थी। एक बात याद रखना राजा बेटा, तेरी शादी की गांठ से मेरी इज्जत बंधी हुई है। तू औरतों में क्या कर रहा था? हथियार मर्दों में जब तुम मारते रहते। आइए भाई साहब, आइए आइए बहन जी। पुलिस, मालिक जी, पुलिस आ गई। अरे किशन सिंह, इस समय आप पुलिस क्यों आई है? चलो देखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते चौधरी साहब। कैसे आना वो? माफ कीजिए मगर ये शादी आप नहीं करवा सकते। अरे किशन सिंह, जिस बात का डर था वही हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरे यार तुम ठहरो तो सही। अरे तो कुछ कर ले यार। क्यों क्यों नहीं कर सकते शादी? जरा कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू चौधरी साहब। ये कार्ड सबसे पहले आपके बेटे राजा की शादी के लिए छपाया गया था। जी। इसमें जो नाम लिखा है मधु, वो इसी लड़की का नाम है क्या? जी। फिर आप इस लड़की से रिश्ता तोड़कर अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की के साथ क्यों करवा रहे हैं? रिश्ता मैंने नहीं तोड़वाया था, इस लड़की ने खुद शादी से इनकार किया था। शादी से इनकार मैंने नहीं किया था इंस्पेक्टर साहब, बल्कि इन्होंने खुद रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए कि शादी तय करते वक्त इन्होंने दहेज में 25 लाख मांगे थे, मगर अचानक शादी के 4 दिन पहले 50 लाख मांगने लगे। मेरे पिताजी ने तो कहा कि अब जबान से फिर रहे हैं, मैं 50 लाख नहीं दूंगा। बस इन्होंने फौरन दूसरी लड़की से अपने बेटे की शादी तय कर दी। ए लड़की, खबरदार मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तो। मैंने तुम लोगों से जायज मांगा था? कब मांगा था मैंने? आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। मधु बेटी, तू मेरे बेटे को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब झूठी कहानियां बनाकर मेरे पति को सारे गांव के सामने बदनाम कर रही है, ये तो अच्छा नहीं है। चौधरी साहब, हो सकता है सारी गलती इस लड़की की हो, मगर इसे दहेज के बारे में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए, इसलिए आपको थाने चलना होगा। ठीक है, अब ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद जहाँ कहीं हम चलेंगे आपके साथ। माफ कीजिए चौधरी साहब, अदालत का फैसला आने तक ये शादी आप नहीं करवा सकते, वरना मजबूरन आपके साथ मुझे दूल्हे को भी गिरफ्तार करना होगा। बाबू जी, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर आप ही शादी कीजिए। शाबाश बेटे, जीते रहो जीते रहो। यार ये सब क्या हो रहा है? मधु, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भूल जाओ, मैं अपने बाबूजी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? तुम्हीं ने तो मुझे सलाह दी थी कि शादी के दिन ऐसे आकर कहना शादी रुक जाएगी और तुम मुझसे मंदिर में शादी कर लोगे, अब तुम ही मुझे जाने के लिए कह रहे हो? अरे तुम्हारे दिमाग को ठिकाने पर है, मैंने तुम्हें कब सलाह दी? बाबूजी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? ससुर जी, आप ही नंदू से पूछ लीजिए, उस वक्त वो भी बात था। नंदू, चल बाबूजी को सच बता दे, बता दे कि सारिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। राजा बाबू, आप तो जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप सब लोग मेरे बिना कुछ बोले ये समझ जाइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। नंदू, बाबूजी बाबूजी झूठ बोल रहा था बाबूजी। ये बाबूजी, आप मुझे शक्की निकाह से क्यों देख रहे हैं? ये लड़की झूठ बोल रही है, आप मेरा विश्वास कीजिए ना बाबूजी। निकल जाए से, निकल जाओ मेरे घर से। नमक हराम। क्या कहा आपने? नमक हराम? हाँ हाँ, नमक हराम। नमक हराम ही नहीं बल्कि ये गंदी नाली का वो कीड़ा है जिसने आज ये साबित कर दिया कि पराया खून पराया होता अपना कभी नहीं हो सकता। बस कीजिए। एक मरतबा नहीं, 100 मरतबा मैंने इस जलील से पूछकर इसकी शादी तय की,
मगर इस सांवर इस कुत्ते इस लड़की के साथ मिलकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कहती हूँ खामोश रहो। तुम खामोश रहो आज। तुम खामोश रहो। आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। क्योंकि जिस सांप को मैं सारी जिंदगी अपना खून पिलाता रहा उस सांप ने आज मुझको डसा है। अरे आज इसने अपनी औकात दिखाई है मुझको। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि रास्ते के कुत्ते को रास्ते में छोड़ना चाहिए, घर में कभी नहीं लाना चाहिए। इसके आगे एक शब्द भी मत कहिएगा।